क्विज थ्री वहाँ पे अपलोड हो गए हैं एंड मैंने आपके यूनिट सिक्स का जो पार्ट वन है स्कीम्स का वो भी उसमें अपलोड किया हुआ है ठीक है आपको क्या करना है आपको स्कीम्स अच्छे से मेमोराइज़ करनी है एंड देन उसके बाद एक वीक के बाद उसका टेस्ट भी वहाँ पर अपलोड हो जाएगा आप टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे और टेस्ट का फिर मैं वीडियो एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगी ठीक है जो वहाँ पर आपको कोई भी डाउट होगा स्कीम्स के रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाएगा तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो बिफोर यू प्रोसीड फर्दर एज आई ऑलवेज से डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ एंड मुझे अच्छा लगता है कॉमेंट पढ़ना तो जेंडर इन इक्वालिटीज एंड इश्यूज ठीक है ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा पहले मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बताती हूँ देखो जब हम मैन एंड वुमेन की बात करते हैं एक मैन हो गया एक वुमेन हो गई हम मान के चलते हैं एक जनरल फ्रेमवर्क हमारे पास दो ही ये प्रेजेंट है सोसाइटी में ऑल दो अभी ये काफी चीज हमारी एल जी बी टी क्यू से एक्सटेंड हो गई है पर हम एक जनरल फ्रेमवर्क लेते हैं ठीक है ये एक नेचुरल डिफरेंस है जो नेचर ने आपको दी है आप इसको सेक्सुअल डिफरेंस बोलते हो या बायोलॉजिकल डिफरेंस ठीक है तो यहाँ पे कहीं इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि आपको नेचर ने नहीं बोला है कि मैन जो है वो डोमिनेंट है पावरफुल है है एंड वुमेन जो वो आपके पावरफुलवल uh, नहीं है ठीक है तो ये आपकी नेचुरल डिफरेंस होगी बायोलॉजिकल डिफरेंस उसके बाद सोसाइटी आपको टर्म देती है जेंडर एनओकले एक बहुत ही बड़ी uh, ये है फेमिनिस्ट है उन्होंने क्या बोला है एन ओकले ने उन्होंने कहा जो जेंडर टर्म है ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है दैट मीन जब आप एक सेक्स चाहे वो मेल सेक्स हो या फीमेल सेक्स हो उसके साथ आप क्या करते हो एक नोशन ऑफ सुपीरियोरिटी जो हमने स्टार्टिकेशन में पढ़ा था किसी एक सेक्स के साथ आप सुपीरियोरिटी वाला ये लेके आते हो फैक्टर कि जो मैन है जो मेल सेक्स है वो सुपीरियर है एज कम्पेयर टू ए फीमेल दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो और वो क्यों सुपीरियर है उसमें आप सोसाइटी की चीजें लेके आते हो उसको सोसाइटल टर्म्स में आप उसको सुपीरियर बनाते हो तो आप क्या कर रहे हो आप सोसाइटी में एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो जो जिसका नाम है जेंडर इसीलिए इसको सोशल कंस्ट्रक्ट बोला जाता है एक तो नेचुरल डिफरेंस आपको बाय गॉड वो आप उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो उसके बाद जब सोसाइटी किसी उसमें से दो में से किसी एक को सुपीरियर या इनिक्वल समझने का और ट्रीट करने की कोशिश करती है और अकॉर्डिंगली उसको रिवॉर्ड करती है तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट आ जाता है जेंडर का इसीलिए बोला जाता है कि जो जेंडर है ये सोशल डिफरेंस बताता है नेचुरल या सेक्सुअल डिफरेंस नहीं बताता है ठीक है तो एनओक् ने क्या कहा था याद रख लेना कि जो जेंडर है ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है तो आप बोल सकते हो जेंडर रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स वुमेन मेन गर्ल्स एंड बॉयज जो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं दिस इंक्लूड्स नॉर्म्स बिहेवियर्स रूल्स एसोसिएटेड विद बीइंग अ वुमन मैन गर्ल और बॉय एज वेल एज रिलेशनशिप्स विद ईच अदर और ये चीज हमारे अंदर इतनी इम्बाइब हो गई है कि नेचुरली हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलती है कि ऐसा सुनने को मिलता है ना कि चलो ये तो लड़का है लड़का ऐसा कर सकता है पर लड़की को यह नहीं करना चाहिए तो यहाँ पे जो आप लड़का लड़की यूज कर रहे हो वो आप उनके बीच की बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं बता रहे हो आप उनके बीच का जेंडर स्टैटिफिकेशन कर रहे हो आप जेंडर डिफरेंस बता रहे हो जहां भी आप सोसाइटी की कोई भी चीज रिलेट करते हो किसी एक नेचुरल सेक्स के साथ जो कि बाय गॉड डिटर्मिन था बायोलॉजिकल डिफरेंस के साथ ठीक है आप क्या कर रहे हो सोसाइटी की चीज को उसे रिलेट कर रहे हो तो आप क्या बता रहे हो आप इनको जेंडर के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो ठीक है ये चीज समझ लेना एज अ सोशल कॉन्स्टेक्ट जो जेंडर है इट वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड Can over time. अब जो हैं पुरानी society में जो उनका सोसाइटी में आप बोल सकते हो उनका बिहेवियर था टूवर्ड सोसाइटी या सोसाइटी का था टुवर्ड्स फीमेल वो अब काफी चेंज हो गया है उनका रोल चेंज हो गया है ठीक है अब वो सिर्फ हाउस होल्ड चोर्स के लिए नहीं रह गई हैं अब वो क्या करती हैं अब उनको जॉब भी करनी है उनको पढ़ाई भी करनी है सब कुछ करना है तो जो जेंडर है ये क्या होता है ये वैरी करता है सोसाइटी टू सोसाइटी जो उस सोसाइटी की वेस्टर्न सोसाइटी की फीमेल है वो हमारी सोसाइटी की फीमेल से डिफरेंट होगी एंड ये चेंज होता है ओवर टाइम जैसे फीमेल्स का रोल है ओवर टाइम चेंज हुआ है जो आपकी दादी के टाइम पे जमाना था जैसे वो आपको बोल देते हमारे टाइम पे लड़कियां ये करती थी वो करती थी आज की लड़कियां ये करती हैं वो करती हैं तो वो सही बोल रहे हैं ये क्या डिटर्मिन कर रहा है जेंडर कैसे ओवर द टाइम ओवर द डेके चेंज हुआ है अब देखो जहाँ पे हम जेंडर की बात करते हैं वहां पे हम बोल सकते हैं कि ये जो जेंडर है ये आपके सोशल स्टार्टिफिकेशन का ही एक पार्ट है सोशल स्टार्टिफिकेशन में आप क्या करते हो सोसाइटी की लेयरिंग करते हो अलग अलग फैक्टर्स पे चाहे कास्ट पे करो क्लास पे करो वैसे एक जेंडर एक बेस है जिसपे आप सोसाइटी को डिवाइड करते हो इन सोशोलॉजी सोशल सर्टिफिकेशन भी होती है पावर प्रिविलेज और सम ओवर द अदर्स हमने पढ़ा है सिंपली पुट इट इज सिस्टम बाय विच सोसाइटी रैंक्स कैटेगरीज ऑफ पीपल इन में अब वो जो मेंबर्स हैं उनको आप किन चीजों पे स्टर्टिफाई कर सकते हो इकोनॉमिक पे रेस पे क्लास पे या आपके जेंडर पे ठीक है यहाँ पे जेंडर बेस्ड सर्टिफिकेशन भी होती है इसीलिए मैंने पॉइंट स्लाइड में इन्क्लूड किए हैं अदरवाइज सोशल सर्टिफिकेशन चैप्टर जो है उसके लिए आप मेरी प्ले पे देख सकते हैं मैंने वो इन डिटेल आपको पढ़ाया हुआ है जो जेंडर सर्टिफिकेशन है ये कब होती है जब जेंडर डिफरेंसेस गिव मेन ग्रेटर प्रिविलेज एंड पावर ओवर वुमेन ठीक है ये तो लड़का है ये आदमी है ये ऐसा कर सकते हैं अगर आदमी आपको थप्पड़ मारे चलो ठीक है ये तो उसका नेचर है ना आदमी थप्पड़ मार सकता है ऐसी सारी बातें ये क्या होती है ये बातें आपको क्या बोलती हैं कि जेंडर डिफरेंसेस से क्या होता है मेन को ग्रेटर प्रिविलेज एंड पावर मिलता है एंड वो उनको सोसाइटी ने दिया हुआ है ठीक है जब आप सोशोलॉजी पढ़ते हो ना चीजें को आप चीजों को गलत या सही करके नहीं पढ़ो जो मैं आपको पढ़ा रही हूं ये, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि ये मेरी आइडियोलॉजी है कि नहीं मैं बस आपको पढ़ा रही हूं जेंडर स्टार्टिफिकेशन होता क्या है सोसाइटल टर्म्स में आपको कैसे समझना है ठीक है जब ये ग्रेटर प्रिविलेज देता है मेन uh, को ओवर वुमेन ट्रांसजेंडर एंड जेंडर नॉन कन्फर्मिंग पीपल क्योंकि अब हमारे पास जेंडर के भी काफी वेरियंट्स गए हैं वो हम आगे आगे इसके पार्ट्स में देखेंगे इस लेक्चर के आगे चलते हैं हमें कुछ सोशोलॉजिकल पर देखने हैं जेंडर के कुछ डिफरेंट देखनी है जेंडर की कि डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट जो व्यू पॉइंट थे जेंडर को वो वो क्या थे पहला होगा आपका फंक्शनलिस्ट फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव मैंने आपको बार बार बोला है फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट कौन से स्कूल ऑफ थॉट है जो बेसिकली हर चीज को एक तो फंक्शनल कहते हैं एंड कहते हैं सोसाइटी का जो हर पार्ट है वो जरूरी है फॉर द ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी ये चीज क्लियर हो गई है प्रीवियस लेक्चर्स में तो फंक्शनलिस पर्सपेक्टिव क्या बोलेंगे जेंडर रोल्स को या जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन को या जेंडर को इन जनरल लेके कि ठीक है अगर आप जेंडर के बेस पे सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हो इसमें कोई बुरी बात नहीं है इससे क्या हो जाता है आपकी सोशल एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो जाती है क्योंकि जेंडर रोल्स क्या है जो फीमेल्स हैं वो घर में रह के काम करेंगी अगर वो घर संभालेंगी तो ही जो मेल्स हैं वो आराम से बाहर जाके अपनी जॉब कर पाएंगे ठीक है उनको पीछे घर की फिक्र नहीं रहेगी उनका जो सारा प्रोडक्टिविटी होगी प्रोडक्टिव आवर्स जो होते हैं दिन के नाइन टू फाइव वो अपनी जॉब को अच्छे से दे पाएंगे तो इकोनॉमी अच्छे से चलेगी आपकी सोसाइटी अच्छे से चलेगी और फैमिली का स्ट्रक्चर भी जो है वो अच्छे से मेनटेन रहेगा ये फंक्शनस पर्स्पेक्टिव का बोलना था ये कहते हैं कि जो जेंडर इनइक्वालिटीज होती हैं सोसाइटी में ये एक एफिशिएंट वे है क्रिएट करने के लिए एक डिवीज़न ऑफ लेबर जो मैंने आपको बोला माँ क्या काम करती है फादर क्या, क्या काम करते हैं ये डिपेक्ट करता है आपके फैमिली का डिवीज़न ऑफ लेबर और अ सोशल सिस्टम जिसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज क्लियरली रेस्पॉन्सिबल फॉर अ सर्टन एक्ट्स ऑफ लेबर एंड अनादर सेगमेंट इज क्लियरली रेस्पॉन्सिबल फॉर अनादर लेबर फॉर अदर लेबर एक्ट ये कुछ भी नहीं है स्टेटमेंट इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना ये डिविजन ऑफ लेबर को ही बोल रहा है एक पॉपुलेशन का एक सेगमेंट फॉर एग्जाम्पल मेन वो किसी काम एक पर्टिकुलर काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे लाइक आपके लाइवलीहुड के लिए ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली और दूसरा सेगमेंट जो है फॉर एग्जाम्पल फीमेल्स ये एक दूसरे काम के लिए रेस्पॉसिबल होंगे फॉर एग्जाम्पल टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रेन टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन फैमिली एंड ऑल ठीक है तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट यूर डिविजन ऑफ लेबर तो जेंडर इनक्वालिटी क्या करता है ये एक एफिशिएंट वे है क्रिएट करने के लिए डिविजन ऑफ लेबर ये कौन बोलते हैं फंक्शन पर्सपेक्टिव वाले फंक्शनलिज्म जो है एड्रेसेस सोसाइटी एज अ होल इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स वगैरह नॉर्म्स कस्टम्स और हर्बर्ट स्पेंसर ने जो ऑर्गन वाली एनालॉजी ड्रॉ की थी जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि ऑर्गन जो है वो कोऑर्डिनेटेड काम करते हैं जैसे एक ह्यूमन बॉडी के वैसे ही सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो भी कॉर्डिनेशन में काम करते हैं और वो भी इंटरडिपेंडेंट होते हैं तो ये जो जेंडर डिफरेंस है ये भी सोसाइटी का एक पार्ट है और ये भी सोसाइटी के ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए जरूरत जरूरी होता है यही सारी चीज़ें हैं अब जो जेंडर पर्सपेक्टिव है ये वाला वो उसमें डेवलप करने के कुछ नाम हमें देखने हैं यहाँ पे एक जिनने डेवलप किया है उनके कुछ नाम देखने हैं एक है आपका टेलकॉट पार्सन इन्होंने जेंडर डिफरेंस को इक्वेट किया कहा डिस्क्राइब करता है एक मॉडल ऑफ न्यूक्लियर फैमिली एंड ये फंक्शनल है फॉर सोसाइटी के लिए न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है हस्बैंड अगेन जो मैंने आपको अभी कहा था ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली ठीक है एंड जो फीमेल है या वाइफ है उनकी वो क्या करती है वो टेक केयर करती है पीछे से फैमिली का एंड चिल्ड्रन का एंड आपके जो बच्चे होंगे उनका जो काम होगा तो ये आपका मॉडल डिस्क्राइब करता है न्यूक्लियर फैमिली का तो जो जेंडर डिफरेंस है सोसाइटी में वो बेसिकली आपको क्या बताती है एक न्यूक्लियर फैमिली किस टाइप की होती है ये आपका फंक्शनल पर्सपेक्टिव में आता है सेकंड आपका बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन ये दिया था टाइगर एंड फॉक्स ने ये भी आपका फंक्शनल पर्सपेक्टिव में ही आता है ये क्या इन्होंने क्या बोला था ह्यूमन बायोग्रामर की बात की थी ह्यूमन बायोग्रामर क्या होता है बेसिकली जेनेटिकली आप बोल सकते हैं जेनेटिकल प्रोग्राम जो ह्यूमन बॉडीज़ में होते ठीक है ठीके? तो जो मेल है उनकी प्रोग्रामिंग उसी तरीके की हुई है जैसे मेल का नेचर क्या होता है यूजली वो अग्रेसिव होते हैं ज्यादा डोमिनेंट होते हैं घर में किसकी आवाज ज्यादा रेज होती है यूजली अगर हम जनरली देखें तो वो जो मेल मेंबर्स होते हैं फैमिली की वो ही ज़्यादा आवाज़ वगैरह वॉइस अपनी रेस करते हैं ठीक है तो वो ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि वो जेनेटिकली वैसे ही प्रोग्राम हुए हैं उस चीज को टाइगर एंड फॉक्स ने कहा ह्यूमन बायोग्रामर अंड जो वुमेन फोक होती हैं फैमिली की एंड सोसाइटी की उनका एक अलग तरीके का नेचर होता है वो थोड़ा बोल सकते हो पेशेंस उनमें थोड़ी ज़्यादा होती है कॉन्फ्लिक्ट वाला वो कम होता है क्योंकि होता है कि फैमिली जो है साथ रह के चले थोड़ी सबमिसिव होती है अपने हस्बैंड्स के लिए ठीक है क्यों क्योंकि उनकी जेनेटिक प्रोग्रामिंग उसी तरीके की है कि वो इस तरीके की ही बाद में सोसाइटी में भी बन जाती हैं तो इस चीज को टाइगर एंड फॉक्स ने नाम दिया था ह्यूमन बायोग्रामर तो क्योंकि आपके जेंडर डिफरेंस से रिलेटेड है तो टर्म इंपॉर्टेंट बन जाती है हो सकता है एग्जाम में आ जाए हमने एक्सप्लेन किया होता क्या है एंड दिया किसने था टाइगर एंड फॉक्स ने एंड जीपी पी जो है उन्होंने भी बायोलॉजिकल बेसिस थ्योरी ही दी थी जेंडर डिफरेंसेस किया जेंडर इनइक्वालिटी की कि बायोलॉजिकली जो मेन है वो ज़्यादा स्ट्रांग है इसीलिए वो डोमिनेट करते हैं किनको फीमेल को जो एक वीकर सेक्स कंसिडर किया जाता है क्योंकि बायोलॉजिकली और फिजिकल एबिलिटी जो है वुमेन की वो कम होती है एज कंपेयर टू मेन तो ये था आपका फंक्शनल पर्सपेक्टिव अब आगे देखते हैं हम पर्सपेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव आपको पता है किससे रिलेटेड आपके इकोनॉमी से ये हमने मैंने आपको बार बार ये चीज बताई मार्क्सिन परसपेक्टिव भी इसको बोला जाता है अगर हम सिंपल लेम एंड टर्म्स में देखें इनका ये मानना है कि जो कैपिटलिज्म है जो कैपिटलिस्ट सेटअप है आपकी इकोनमी मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है इन सब से क्या हुआ है सोसाइटी में दो क्लासेस क्रिएट हो गई हैं आपकी हैव्स एंड हैव नॉट्स और इसी का असर आपके हर सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन पे चाहे फैमिली हो रिलीजन हो आपको देखने को मिलेगा ये इसका बेसिक पर्स्पेक्टिव है ठीक है तो इसमें जो इंपॉर्टेंट नाम है जो आपके जेंडर से रिलेटेड है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के अंदर वो है फ्रेडरिक एंजल्स ये भी इन पर्सपेक्टिव वाले थे इन्होंने कंपेयर किया फैमिली स्ट्रक्चर को टू द रिलेशनशिप बिटवीन बर्जुआ एंड द प्रोलेटेरियट बर्जुआ कौन हो गया आपके हैव्स को बोला जाता है बर्जुआ एंड हैव नॉर्ट्स हो गए आपके प्रोलेटेरियट सजेस्टिंग दैट वुमेन जो है दे हैड लेस पावर देन मेन इन हाउस होल्ड बिकॉज वर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर वेजेस तो बेसिकली फैमिली में भी इन्होंने क्या किया इकोनॉमिक डिविजन किया कि आदमी बाहर जाता है वो कमा के लाता है इसीलिए जो वुमेन है उस पर डिपेंड हो जाती है और वुमेन को क्या करना पड़ता है उसको वो एक्सप्लोइटेशन टॉलरेट करनी पड़ती है टुवर्ड्स हर जो किसने की होती है मैन ने उसके हस्बैंड ने सिर्फ इसलिए क्योंकि मैन के पास अथॉरिटी है बाहर जाओ और कमाओ ये आपको कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बोलते हैं मैन लाइक एनी अदर ग्रुप विद पावर और वेल्थ एडवांटेज इन द विद पावर और वेल्थ एडवांटेज इन कॉन्फ्लिक्ट थोरी फॉर टू मेंटेन देयर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू ग्रुप्स कॉज थिंग्स लाइक वुमेन्न सफरेज मूवमेंट एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज अब क्योंकि मैन के पास पावर है अभी इन्हें पूरी सोसाइटी में क्या कहा थाव के पास पावर है अब वो फैमिली का हैव कौन बन गया यहाँ पे मैन तो मैन के पास पावर है वो एक्सप्लॉयट करेगा वुमेन को ठीक है यही चीज इन्हें कही थी और इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ था जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन मैन एंड वुमेन या कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू जेंडर एक मूवमेंट चली थी वुमेन्स सफरेज मूवमेंट सफरेज़ मूवमेंट ये रिलेटेड थी टू द वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स क्योंकि नहीं दिए गए थे ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी आपके एंड ब्रिटेन वगैरह में तो रिलेटेड अगेन टू ये जेंडर डिफरेंसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट है वो बन जाता है और इससे बाद में क्या हुई एक सोशल चेंज आई और वोटिंग राइट जो है वो अलग अलग कंट्रीज ने वुमेन को देना शुरू किया थर्ड वन इज इंटर इंटरक्शन परस्पेक्टिव देखो पर्सपेक्टिव बोलते हैं दे स्टडी हाउ इंडिविजुअल एक्ट विद इन द सोसाइटी एंड बिलीव दैट मीनिंग इज प्रोड्यूस्ड थ्रू इंटरक्शन जो मीनिंग है वो कंस्ट्रक्ट होता है एक कोई यूनिवर्सल मीनिंग नहीं होता है अब देखो आपके एग्जाम के लिए डायरेक्टली इंटरैक्शन पर्सपेक्टिव पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है सिलेबस में कहीं नहीं गिवन है लेकिन ये इंटरेक्शंस पर्सपेक्टिव ने आपके जेंडर रिलेटेड कोई बात की है इसीलिए आपके लिए थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है ठीक है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी स्टडी के लिए तो इंटरक्शन पर्सपेक्टिव क्या कहता है जब आप इंटरेक्शन करते हो किसी से तो उसके मीनिंग पे फोकस करो एंड वो जो मीनिंग है ये चेंज होता है कंस्ट्रक्ट होता है आपके इंटरक्शन प्रोसेस में ये सेम नहीं एक यूनिवर्सल मीनिंग हर एक्शन का नहीं होगा अब आप आपको आई नो समझ में नहीं आया होगा हंड्रेड परसेंट श्योर हो इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ एग्जाम्पल इसकी बड़ी एक अच्छी सी एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल क्लास में आप बैठे हो टीचर पढ़ा रही हो स्टूडेंट हैंड रेज करता है ठीक है अब स्टूडेंट जो हैंड रेज करता है उसका एक यूनिवर्सल मीनिंग नहीं हो सकता है जो पूरी क्लास के लिए पूरे स्कूल के लिए सेम मीनिंग हो टीचर सोचे कि शायद बच्चे को आंसर करना है वो इसीलिए हैंड रेज कर रहा है या टीचर सोचे कि शायद बच्चे के दिमाग में कोई डाउट आया है वो इसीलिए डाउट पूछने के लिए हैंड रेज कर रहा है लेकिन जो आपके स्टूडेंट्स उसके जो लड़के के या लड़की के जो फ्रेंड्स बैठे हैं बाकी स्टूडेंट्स क्लासरूम में वो सोचेंगे शायद Uh, इसको कुछ ज्यादा समझ में आया इसको क्वेश्चन का आंसर करना होगा मैम के ठीक है ये मैम को कुछ बोलने वाला है कि मुझे भी इस चीज के बारे में ज्यादा बेहतर पता है आपसे जॉब पढ़ा रहे हो स्टूडेंट्स की आदत होती है ना टीचर को बोलने की मुझे बेहतर पता है तो बच्चे सोचेंगे इसीलिए हैंड रेस किए लेकिन जिसने हैंड रेस किया हो सकता है उसको टॉयलेट ब्रेक चाहिए उसने इसलिए हैंड रेस किया हो तो हैंड रेस करने के कितने सारे मीनिंग्स हैं तो आप एक यूनिवर्सल मीनिंग उसको नहीं दे सकते हो क्योंकि वो मीनिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगा इन द इंटरेक्शन प्रोसेस हो सकता है आधे घंटे के बाद कोई दूसरा स्टूडेंट हैंड रेस करे उसका कोई दूसरा मीनिंग हो हैंड रेस करने का यही इंटरक्शन पर्सपेक्टिव ने कहा था आप एक जनरल मीनिंग सबके लिए नहीं ला सकते हो आपको क्योंकि जो मीनिंग है ये कंस्ट्रक्ट होता है इंटरक्शन प्रोसेस में ठीक है ना हाथ रेस करना ये एक कोई एक एक्ट हो गया एंड इस एक्ट का डिफरेंट मीनिंग होगा वो मीनिंग कॉन्स्ट्रक्ट और डी हो जाएगा जब आप इंटरक्शन करोगे कि हाथ रेज हुआ क्यों था ये इसका एक बेसिक फंड है एक बेसिक से एग्जाम्पल से मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दिया इंटरैक्शन स्कूल बहुत बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है ठीक है आपको वहां नहीं जाना है अभी ये पढ़ाने का मतलब क्यों था क्योंकि इन्होंने जेंडर रिलेटेड कुछ बात की है, इसीलिए समझना हमारे लिए जरूरी था

वो कहाँ से आया है वो मीनिंग्स देना वो सोसाइटी से आया है और जेंडर स्ट्राटिफिकेशन बेसिकली है क्या ये सिंपली एक वो वाली चीज है जिससे लोगों ने मीनिंग्स दिए हैं जेंडर्स को फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो आप फीमेल के लिए गर्ल चाइल्ड होगी घर में किसी के उसके लिए कोई पिंक चीज लेके जाओगे या कोई ब्लू चीज लेके जाओगे है ना ये पिंक और ब्लू ये जो कलर्स हैं वो तो कलर्स है ना उसको किसने मीनिंग दिया कि पिंक गर्ल का है और ब्लू बॉय का है ये सारा सोसाइटी ने दिया है यही इंटरक्शन पर्सपेक्टिव का बोलने का मीनिंग था कि लोग अपने मीनिंग चीजों को क्या मीनिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग कैसे बिहेव करते हैं उस चीज की वजह से जेंडर स्टेटोफिकेशन हुई है सोसाइटी में ठीक है आप डॉल्स लेके जाओ गर्ल्स के लिए या कार लेके जाओ अगर बॉय के लिए क्यों क्या आप कार गर्ल के लिए नहीं लेके जा सकते क्या लड़कियां गाड़ी नहीं चलाती हैं लेकिन आप गर्ल्स के लिए डॉल्स लेके जाओगे क्योंकि सोसाइटी ने मीनिंग दिया हुआ है ये सारे टॉयज गर्ल्स के हैं ये सारे टॉयज बॉयज के हैं यही इंटरक्शनल पर्सपेक्टिव का कहना था जेंडर स्टेटोफिकेशन को लेकर फॉर सिंबॉलिक इंटरक्शन परसपेक्टिव इसको सिंबॉलिक इंटरेक्शन परसपेक्टिव भी बोलते हैं जेंडर जो है इज प्रोड्यूस एंड री इनफोर्स थ्रू द डेली इंटरेक्शन एंड यूज ऑफ सिम्बल्स अब अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो डेली इंटरेक्शन है या मीनिंग दिया हुआ है किसी चीज को और अकॉर्डिंगली जेंडर के साथ आप डिफरेंट बिहेव करते हो ये कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है तो ये इंटरैक्शन परसपेक्टिव है इसमें एक और कॉन्सेप्ट सी एच कूले ने आपको दिया था लुकिंग ग्लास सेल्फ का लुकिंग ग्लास सेल्फ होता है आप वो बन जाते हो जो सोसाइटी आपको देखती है ठीक है अगर सोसाइटी आपको स्ट्रांग समझेगी कि ये इंसान तो स्ट्रांग है आप अल्टीमेटली स्ट्रांग ही बन जाओगे अगर सोसाइटी आपको वीक परसीव करती है कि आप में कॉन्फिडेंट नहीं है ठीक है कॉन्फिडेंस की कमी है आप वीक हो आपको बोलना नहीं आता आप इवेंचुअली वैसे ही बन जाओगे आप वीक बन जाओगे लुकिंग ग्लास सेल्फ आपको मिरर इमेज दिखती है वो मिरर इमेज जो आपको सोसाइटी ने बनाई हुई है आप वैसे ही बन जाते हो अगर लड़कियों को हमें पता है सोसाइटी में लड़कियों को क्या बोला जाता है कि वीकर सेक्स है ये काम नहीं कर सकते वो काम नहीं कर सकते तो अल्टीमेटली लड़कियां उनकी सोशलाइजेशन वैसी हो रही है वो अल्टीमेटली वैसी ही बन जाती हैं वही होता है आपका लुकिंग ग्लास सेल्फ एंड इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जेंडर रोल इज बेस्ड ऑन हाउ सोसाइटी परसीव्स देम ठीक है सोसाइटी बोलती है लड़की को आ, ये नहीं बोलना चाहिए ये लड़की है सोसाइटी बोलती है लड़की है ये इसको कल को दूसरे घर जाना है आवाज इसकी ऊंची नहीं होनी चाहिए तो आपकी आवाज हमेशा दबी ही रह जाएगी क्योंकि सोसाइटी ने आपको वैसे आपकी इमेज बनाई है और वो ही इमेज आपके दिमाग में रह गई है और अकॉर्डिंगली आप बिहेव करोगे अपनी पूरी लाइफ इस थ्योरी को बोला जाता है लुकिंग ग्लास सेल्फ ठीक है और इसी थ्योरी के लड़की के ऑपोजिट अगर लड़के लें एग्जाम्पल मैन एज मेस्क्यूलर एंड ही विल परसीव हिमसेल्फ टू बी मेस्क्यूलर जैसे सोसाइटी ने ये बातें बोली ना लड़का नहीं रोता है अगर लड़के के इमोशन है वो भी रो सकता है तुम लड़के होके रो रहे हो हम सिर्फ लड़कियों की बात नहीं करेंगे लड़कों को भी बहुत कुछ सोसाइटी में देखना पड़ता है तुम लड़के हो अभी तक कमा नहीं रहे हो कल को शादी हो जाएगी तो क्या करोगे ये जो कमाने का बोझ है ये सिर्फ मेल्स पे ज्यादा होता है ये किसने डाला है सोसाइटी नहीं बोला है ना कि लड़के पे बोझ है कमाने का ठीक है लड़का नहीं रो सकता है तुम लड़के हो लड़कियों की तरह हंसते हो लड़के हो गए तुम्हें पिंक कलर पसंद है ये सारी बातें कहा से आई हैं सोसाइटी से इस थ्योरी को हम बोलते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ डूइंग जेंडर अगेन एक अलग कॉन्सेप्ट है इस उसको पहली बार कॉइन किया था वेस्ट एंड जिमरमैन ने इनका नोशन है जो आ, बोलना है कि जो मैस्कुलिटी एंड फेमिनिटी है दे आर परफॉर्म्ड जेंडर आइडेंटिटीज परफॉर्म जेंडर आइडेंटिटीज का क्या मतलब हुआ जेंडर इज नॉट समथिंग दैट वी आर हम जेंडर नहीं है जेंडर क्या होता है जो हम परफॉर्म करते हैं जो हम रोल परफॉर्म करेंगे सोसाइटी में अगर मैं उस लड़की का क्या काम होगा सुबह उठना चाय बनाना खाना बनाना एंड ऑल दैट तो वो जो जेंडर है वो कैसे आ गया सामने कि ये लड़की का काम है क्योंकि कोई रोल परफॉर्म कर रही है वो उस घर का मेंबर होके या सोसाइटी का मेंबर होके लड़कियों का कोई रोल होगा तो जेंडर इज समथिंग दैट वी परफॉर्म हम वो परफॉर्म करते हैं जेंडर हम वो होते नहीं है ठीक है तो इसको डूइंग जेंडर बोलते हैं ये वेस्टर्न जिम्बर ने दिया था तीन हो गए फंक्शनलिस्ट हो गया आपका कॉन्फ्लिक्ट हो गया इंटरक्शनस्ट हो गया एंड आपका फेमिनिस्ट परसपेक्टिव जो सबसे सब ज्यादा इंपॉर्टेंट परसपेक्टिव है इसको लेके जेंडर इन इक्वालिटीज है जेंडर आइडेंटिफिकेशन को लेके फेमिनिस्ट थियोरी है वो वो एनालाइज करती है जेंडर स्टेटिफिकेशन को थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर रेस एंड क्लास इनका मानना है जेंडर डिफरेंस सिर्फ जेंडर की वजह से नहीं आती है इंटरसेक्शन ऑफ़ कि क्लास डिफरेंस भी, भी होती है सारी चीजें मिला के किससे मिलती है जेंडर डिफरेंस से जेंडर सर्टिफिकेशन अकर्स जब जेंडर डिफरेंसेस गिव मेन ग्रेटर प्रिविलेज एंड पावर ओवर द वुमेन ट्रांसजेंडर एंड जेंडर नॉन कन्फर्मिंग पीपल ठीक है हमने पहले भी देखा कहीं फेमिनिस्ट फेमेनिस्ट द कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच क्या बोलता है इनइक्वालिटी है जैसे सोसाइटी में हैव्स एंड हैव की वैसे ही आपके घर में भी है क्योंकि आप जो वुमेन हो ये जो फेमिनिस्ट हैं ये बोलते हैं जो वुमेन है वो अनपेड लेबर हैं फैमिली की कि उनसे मजदूरी भी करा और उनको पैसे भी नहीं दो ये फेमिनिस्ट का मानना है टू एग्जामिन द तो ऑफ जेंडर रोल्स एंड इनक्वालिटीज हाईलाइटिंग द रोल ऑफ पेट्रीआरिटी इन मेंटेनिंग द ऑपरेशन ऑफ वुमेन तो पेट्रीआरकी को जेंडर इनइक्वालिटी में किसने हाईलाइट किया है फेमिनिस्ट परसपेक्टिव ने इंटरसेक्शनैलिटी सजेस्ट दैट वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन एज रेसिज्म क्लासिज्म सेक्सिज्म ये सारे इंटर रिलेटेड है टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ ऑपरेशन इन विच वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंटरसेक्ट तो बेसिकली इंटरसेक्शनैलिटी होती है एक रेसिज्म भी चल रहा है साथ में क्लासिज्म भी चल रहा है सेक्सिज्म भी आपका जो जेंडर इनइक्वालिटीज है ठीक है तो ये सारी जो है वो ग्रुप में परफॉर्म कर रही होती है सिस्टम है एक ऑपरेशन का आप हर साइड से हर एरिया में दूसरे को ऑपरेस कर रहे हो चाहे वो रेस को लेके हो क्लास को लेके हो या उसके जेंडर को लेके हो और इस थेरी को हाईलाइट किया था किम्बर् क्रेंशा ने Intersectionality सजेस्ट दैट वेरियस बायोलॉजिकल सोशल कल्चरल कैटेगरीज जो है इंक्लूडिंग जेंडर रेस क्लास ethnicity, वो interact करती हैं एंड contribute करती हैं towards सोशल इनइक्वालिटी Therefore, various वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन जो है do नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली बट आर interrelated. ठीक है ये हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना था इसमें intersectionality वाला कॉन्सेप्ट जो है differences का वो किसने दिया है वो feminist ने दिया है यही मेरा मेन पॉइंट था बोलने का और इस intersectionality में एक सेक्शन जो है वो जेंडर का भी आता है तो ये फेमिनिस्ट पर्स्पेक्टिव क्या बोलते हैं अनपेड लेबर बोलते हैं एंड जो रोल ऑफ पेट्रियार की सबसे मेंटेनिंग द ऑपरेशन ऑफ वुमेन तो ये सारी जो थियोरीज है इसमें हम कहीं ना कहीं जेंडर इन जो है वही डिस्कस कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में है इसमें करंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख लो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 की इसने इंडिया को रैंक किया है 127 आउट ऑफ 146 ठीक है और ये कौन रिलीज करती है रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अभी जो रिपोर्ट है ये किन डायमेंशन पे अपना रिकॉर्ड तैयार करती है चार

में लेके आऊंगी टिल द टाइम आप लोग नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे